तारीख 11 अप्रैल साल 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज विभाग बात चीन और अमेरिका के बीच वे वजह ही 40 साल से चक्की में फिर गेहूं में घुन से पिस रहे निरही ताइवान की। सुना है कि अब चालबाज चीन ने ताइवान को फिर उकसाना शुरू कर दिया है। चीन की इस चाल से खुश और चीन से अपना अगला पिछला तमाम हिसाब किताब घर बैठे बैठे ही पूरा करने के फेर में फंसा धूर्त अमेरिका इस सब में आग में घी का सा काम कर रहा है। ऐसे में अगर ताइवान, चीन और अमेरिका तीनों की ही नींद उड़ी है, अगर ये कहूं तो भला गलत क्या होगा। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले किसी मनहूस वक्त में अगर चीन ने ताइवान को पाने की अंधी और मैली चाहत में उसके ऊपर हमला बोल दिया तो चीन, अमेरिका और ताइवान का जो कुछ और जितना बुरा होगा उसे तो भूल जाइए। सोचना यह पड़ेगा कि चीन और ताइवान की जंग में दुनिया की तबाही किस हद को जाकर छुएगी और अपने घर में शांति से हर कदम पर पैनी नजर गड़ाए बैठे भारत के उन बदतर हालातों में क्या भूमिका होगी। हाल में ही जब से चीन ने चेतावनी दी है कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है, तभी से दुनिया के रणनीतिकारों में उथल पुथल मच गई है। चीन ने ताइवान का समर्थन करने वाले देशों को भी दूरी बनाने की नसीहत दी है। चीन ने ताइवान के पास 3 दिनों तक चले लाइव फायर ड्रिल के खत्म होने के बाद कहा है कि ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता और ताइवान के लिए स्वतंत्रता परस्पर अनन्य है। यह युद्धाभ्यास ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग्वेन की अमेरिका यात्रा के जवाब में चालबाज चीन ने शुरू किया था। अगर पारखी नजरों से देखें तो चीन ने बीते कुछ महीनों में ताइवान के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी ही समझिए कर ली है। बस हुक्मरानों के एक इशारे भर की देर है तबाही का तांडव शुरू होने में। मक्कार चीन अपना आगे पीछे कुछ देखे बिना ही अगर ताइवान के ऊपर हमला बोलता है तो ताइवान में व्यापक पैमाने पर तबाही मचेगी। इस बेतुकी जंग की आग की लपटों में झुलसने से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया भी भला खुद को कैसे बचा सकेंगे, 100% का सवाल यही है। और ऐसे में अपने घर में शांत बैठे भारत की जान को भी नई मुसीबत लगने की प्रबल संभावनाएं जन्मेंगी, क्योंकि भारत कभी और कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ताइवान पर चीन बैठे बिठाए ही सिर्फ अपनी सड़क पूरी करने की जिद में हमला बोल बैठे और भारत आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ खामोशी के साथ देखता रहेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने सोमवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि अगर हम ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ताइवान की स्वतंत्रता, अलगाववाद के किसी भी रूप का दृढ़ता से विरोध करना ही होगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी कमान के एक अहम बयान को सुने पढ़ें तो ताइवान की सीमाओं पर चीन द्वारा चलाए गए 3 दिवसीय ड्रिल के दौरान चीनी सेना की वास्तविक युद्ध स्थितियों के तहत कई सैन्य शाखाओं की एकीकृत संयुक्त युद्ध क्षमता का व्यापक परीक्षण किया गया। ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यही ने कहा कि चीन की सेना किसी भी तरह की ताइवान स्वतंत्रता और विदेशी हस्तक्षेप को हराने के लिए हर समय तैयार रहेगी। मतलब साफ है कि चालबाज चीन की मंशा में खोट तो है ही। उधर चीन की इन तमाम लंबी लंबी बेसिर पैर की बातों को लेकर ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने ताइवान के आसपास 70 चीनी सैन्य विमानों और उसके 11 जहाजों का पता लगाया है। ताइवानी फोर्सेस ने अभ्यास की निगरानी की और विमान, नौसेना के जहाजों और भूमि आधारित मिसाइल सिस्टम को उनका जवाब देने का काम सौंपा गया है। इस सबके बीच सोमवार को चीनी सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने अभ्यास के दौरान स्वशासित द्वीप के पास नकली हमले किए। इस युद्धाभ्यास में चीनी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग भी मौजूद रखा गया था। इसी के साथ आवाज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए।